हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड पिज़्ज़ा। इंग्रेडिएंट्स में है एक कटोरी मैदा, दही, ऑलिव ऑयल। फर्स्टली हम ऐड कर लेंगे इसमें मैदा, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, 1/2 स्पून साल्ट। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। सेंटर में एक वेल बना लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम दही, मिक्स कर लेंगे जितना ज़रूरी होगा और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 स्पून ऑलिव ऑयल। इसमें रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकती हैं ऑलिव ऑयल की जगह। 10 मिनट्स तक हमें डो को नीड करते रहना है, अच्छे से इसको नीड करना है 10 मिनट्स तक। अब डो हमारा रेडी हो चुका है, 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। हम कुकर को प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। मैंने कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। बेकिंग के लिए मैंने इसमें 1 कटोरी नमक भी डाल दिया है और 1 स्टैंड भी रख दिया है। डो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फिर से एक बार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल बना के अब हम इसको रोल कर लेंगे। अब हम इसको ले लेते हैं। बंद करो। हमें इसे बिल्कुल पतला भी नहीं बेलना है, थोड़ा सा इसका होना चाहिए। प्लेट के साइज़ का बना रही हूँ तो इसलिए हम इस प्लेट का साइज़ ही देख लेंगे। ऐसे करके राउंड काट लेना है इसका। मैंने इस प्लेट को पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है। बंद करो। अब मैं इसमें पिज़्ज़े का बेस जो है वो डाल दूँगी। अब मैंने इसे प्लेट के साइज़ का काट कर ही इसी में लगा दिया है। अब हम फोर्क की हेल्प से इसको हर जगह पर प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले हम इस पर स्प्रेड कर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसे स्प्रेड कर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस को। इस पर स्प्रेड कर लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कैप्सिकम ऐड करी है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटोज। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्वीट कॉर्न। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मोज़रेला चीज़। अब ये रेडी है बेक होने के लिए। अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। 10 मिनट्स तक ये रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा एकदम बनकर रेडी हो चुका है। चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगैनो। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो सॉस। पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू ईट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।